हर घर में हो उजाला, आए न रात काली, हर घर में मनी खुशियां, हर घर में हो दिवाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। दिवाली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं उन्हें पूरे साल समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दिए का त्यौहार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम ये खूबसूरत त्यौहार क्यों मनाते हैं और इस पावन पर्व की शुरुआत कब हुई? तो आइए उन पौराणिक कहानियों के बारे में आज जानते हैं। राम जी की 14 साल वनवास के बाद वापसी। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दीपावली का ये पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण के हाथों नरकासुर का वध। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों वध होने का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दीपावली मनाई गई। पांडवों की घर वापसी। दीपावली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दें कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमगा दिया गया। तभी से दीपावली की शुरुआत हुई। माँ लक्ष्मी का अवतार। दीपावली से संबंधित एक कथा और जुड़ी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी ने सृष्टि में अवतार लिया था। ये भी मुख्य कारणों में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। ये भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। मुगल बादशाह जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा तो अपने साथी कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग किए। गुरु गोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी, इसलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। अंतिम हिंदू सम्राट की जीत। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की भी कहानी दिवाली के साथ जुड़ी है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वो एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनकी उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। माँ काली का रौद्र रूप। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। तो देखा आपने पौराणिक कथाओं में दीपावली को लेकर कितने रहस्य छिपे हैं और आखिर क्यों मनाई जाती है दीपावली। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।